बात जब अंडा कढ़ी की होती है गाजियाबाद में कि सबसे टेस्टी अंडा कढ़ी कहाँ मिलता है, तो भाई साहब जो लिस्ट में नाम है सबसे पहले रंगीला एक कॉर्नर का आता है। और आज हम यही आए हैं टेस्ट करने, चलिए चलते हैं आपको एक करके दिखाते हैं इनकी। भाई साहब देखने में इतनी लाजवाब कि आप खींचे चले आओगे, तो चलिए चलते हैं अब एक करी भी ट्राई कर लेते हैं। अभी हम लोग हैं गाजियाबाद में रंगीला एक कॉर्नर पे, और आप लोग गाजियाबाद में सबसे टेस्टी अगर अंडा करी खाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये देखिए ये है उनकी एक करी की काट, यहाँ पे अच्छे से नींबू प्याज सारी सजा के रखी गई है बल्क में। और यहाँ पे अभी तो टाइम हो रहा है, अभी तो बज रहे हैं 6:30 और 8 बजे यहाँ इतनी रस होती है, इतनी दीवानगी आपको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे कितनी दीवानगी है। और यहाँ पे भी अमूल बटर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये एक करी की रंगत देख सकते हैं, ग्रेवी बहुत ही टेस्टी है, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है इसको, सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं इस अंडा करी को। और यहाँ पे इसको सर्व की जाती है बटर में, दो रुमाली मतलब रुमाली रोटी के साथ बटर में ये सेकी जाती है रुमाली रोटी, फिर सर्व की जाती है। और देख सकते हैं इनके सेट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इनको गाजियाबाद में। और यहाँ पे अभी हम लोग आए थे बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों की कतार लगते जा रही है। और यहाँ पे जो ये रुमाली रोटी है देखिए आप लोग, सिकाई करके अच्छे से बटर में इसको दी जाती है, तो आ सकते हैं भाई साहब इसकी ग्रेवी एकदम शाही पनीर वाली जो ग्रेवी नहीं होती है वैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है भाई, देखने में ही आपको लजीज लग रही होगी। लगाइए, हाँ एक प्लेट लगाइए हमारे लिए भी। एक प्लेट की क्या कॉस्ट होने वाली है भैया? हाँ हाफ 60, हाफ लगाइए। फुल में कितने पीस है? अच्छा, और हाफ में एक पीस, हाँ हाफ ही करिए, हाफ ही करिए। यहाँ पे हाफ हम लगवा रहे हैं, हाफ 60 के हैं और फुल 100 के हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग भाई साहब अंडे बहुत ही लाजवाब, देखने में बहुत ही बेहतरीन लग रही है। और यहाँ पे अदरक के लच्छे, धनिया सजा के गार्निश करके दी गई है। और भाई साहब ये पूरी टिक्की आ गई, पूरी टिक्की आ गई इसमें। अच्छा, और यहाँ पे ये रुमाली रोटी के साथ सर्व की जाएगी अंडा करी। यहाँ पे हमारी एक करी विथ रुमाली रोटी देख सकते हैं बटर में, इसको इतने अच्छे से सेका गया है कि ये थोड़ी सी करारी हो गई है, बहुत ही अच्छी पराठे लग रही है, मतलब लग रहा है कि पराठा हम खाने जा रहे हैं। और यहाँ पे इनकी ग्रीन चटनी और प्याज के साथ इसको सर्व किया जाता है। और भाई साहब इसमें देखिए ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप बटर खाने मतलब बटर पसंद करते हैं तो आप लोग यहाँ पे पागल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये चीज़, क्योंकि इसमें पूरी एक बटर की टिक्की डाल दी गई है, मेरे सामने बटर की टिक्की डाल दी गई है और ये इतनी लजीज दिख रही है। मैंने ना आज तक इतनी टेस्टी स्ट्रीट साइड पे अंडा करी नहीं खाई। और इनका जो मतलब ये रुमाली रोटी विथ पूरे एक टिक्की में जो ये अंडा करी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा है, अब इसको टेस्ट करते हैं फाइनली। ये जो लच्छे पराठे को आपने, सॉरी ये जो रुमाली रोटी है इसको, भाई साहब ऐसा लग रहा है ना कि लग रहा है लच्छा पराठा ही है। तो इसको अच्छे से अमूल बटर एक टिक्की में इस दो रुमाली रोटी को सेक दिया है भैया ने, तो हम बाइट बना लेते हैं। और भाई साहब इसकी ग्रेवी है, लग रही है शाही पनीर की जो ग्रेवी नहीं होती है वो लग रही है, तो हम इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे बटर भी हमारा है तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये बाइट मैंने अच्छा सा बना रहा है, यहाँ पे जो सलाद है इसको रख लेते हैं। देखो एकदम सजा दिया है, आपको अच्छी लग रही होगी। अब बाइट ले लेते हैं इसकी और बताते हैं टेस्ट आपको कैसा है। मतलब जितना नाम सुना है ना उसके, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, जितना नाम सुना है उससे कई ज़्यादा अच्छा है ये। मतलब अंडा करी मैंने कहा ना इतना टेस्टी मैंने नहीं खाया है। अगर एक करी या ऑमलेट पसंद करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा एड्रेस दे दूंगी, आप लोग यहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें। अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो देख के यहाँ पे आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो इसके मसाले हैं ना
बहुत ही अलग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मतलब सारी चीज़ें फ्रेश है, आपके सामने रेडी होगी। और भैया बता रहे हैं ना कि लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि 10 बजे तक पूरा सफ़ा चैट हो जाता है, मतलब सारा ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा पार्ट है। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे ज़रूर आना, ज़रूर आना। अगर अंडा लवर हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो